सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग 12 घड़ी में ए की मात्रा करेंगे। तो ए की मात्रा कैसी होती है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़े से टेढ़े जाएंगे और ऐसे गोला घुमा देंगे, ये ए की मात्रा। जैसे क में ए की मात्रा के, ख में ए की मात्रा खे, इस तरह से करके आप झ तक करोगे। आप खुद से लिखोगे और उच्चारण करोगे इसका। ओके बच्चों, तो अब अगला है हमारा 12 खड़ी सारे मात्राएं लगाने की, तो शुरू करते हैं। सुप्रभात बच्चों, आज हम करने वाले हैं 12 खड़ी, और किसकी? ए की मात्रा। हमने 12 खड़ी में ए की मात्रा की है। ए की मात्रा कैसी होती है? ऊपर में हम लोग बाएं की ओर थोड़ा सा घूमते हैं, उसमें थोड़ा गोला लगाते हैं। जैसे ऊपर की ओर थोड़े से ऐसे टेढ़े हो जाएंगे और इसमें गोला लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगी? ए की मात्रा। ठीक है, ए की मात्रा। अब हमें क्या करना है? 12 खड़ी करने हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले क ख ग घ को सुंदर से पहले लिखेंगे पूरे अड़ तक, उसके बाद सब में ए की मात्रा लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या है? क में ए की मात्रा के, ख में की मात्रा खे, ग में की मात्रा गे, और घ में की मात्रा घे। ठीक है, अण से खाली। ठीक है, अंग से खाली तो उसको नहीं करेंगे। उसके बाद वैसे ही सारे में लगाएंगे और साथ में उसकी उच्चारण भी करेंगे।